हेलो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बारिश का आनंद लूँगी। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो देखिए मेरे कॉलोनी में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैं बाहर बैठी हूँ, ये मेरी तेज बुद्धि लड़की है तो उसके साथ मैं बाहर ही हूँ, तो हम लोग मस्ती करेंगे। अभी छत पे जाएंगे, ये बाहर थोड़ा मस्ती कर रही है। बारिश हो रही है, अभी हल्की हल्की है, तेज होने लगेगी। अब मैं ऊपर छत पे जाऊंगी। देखिए मैं छत पे आ गई हूँ। मैं ये होशियार तेज बुद्धि और ये शैतान बुद्धि दोनों मस्ती कर रहे हैं। देखिए मैं भी उनके साथ पानी में भीग रही हूँ। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, शाम का टाइम है, पूरी तरह से फुल। देखिए तेज बुद्धि और मैं दोनों ही मस्ती कर रहे हैं, और ये मेरी फ्रेंड है कुसुम दीदी, वो भी छत पे आई हुई हैं। हम सब लोग मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा झूमेंगे। बारिश अच्छी हो रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम और हमारी बेटी तेज बुद्धि बहुत ही मस्ती करेंगे, और हमारी फ्रेंड हंस रही हैं। ये देखो गिर गई है, इसको पकड़ के इधर पटकेंगे। उसके साथ मैं भी गिर गई, लो फुल मस्ती की है हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो ये कैसे मेरे ऊपर पानी डालेगी, पागल कहीं की। हम भी बैठे हैं मस्ती में, बहुत अच्छा लग रहा है। भीग रहे हैं भीगते हुए, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ। ये देखो लेट गई, और ये भी अपने ऊपर डाल रही हैं हमारी फ्रेंड। देखिए अंधेरा सा हो गया है तो अच्छा सा नहीं दिख रहा है। हम फुल मस्ती किए हैं, ये देखो बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। हम पूरा छींटे मारेंगे बारिश में, घूमेंगे मस्ती करेंगे। ये देखो तेज बुद्धि इधर उधर भाग रही है, ये मेरी फ्रेंड पूरी तरह से मस्ती करेंगी। देखो झूम रही हैं मस्ती से, इधर से उधर जाएंगी। हम लोगों ने पूरी मस्ती की है छत पर। शाम के 6 बजे थे, बादल की वजह से थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा साफ सा नहीं दिख रहा है। हम पुल ऊपर बहुत तेज बारिश है, इधर से लोग देख रहे हैं तो थोड़ा शर्म सी आ रही है। देखिए हम और हमारी फ्रेंड ने मस्ती कर ली, अब आते हैं किचन में। देखिए हम बना रहे हैं पाव भाजी, तो बारिश के साथ साथ पाव भाजी का भी मज़ा लेंगे। देखिए टमाटर वगैरह तो हमने पहले ही भून लिए थे, बहुत ही स्वादिष्ट बनाएंगे पाव भाजी, उसका बारिश में बहुत ही आनंद आएगा। लो इसको घोट रहे हैं हम सब्जियों को। अच्छे से बना लेंगे, ये मटर पनीर डाल देंगे। आप भी आनंद लीजिए। हम तो भाई बारिश के बाद पाव भाजी का मजा लिए हैं पूरा, ये मसाला ऐड कर दिया है, इसको भी मिक्स कर देंगे। मटर और पनीर तो लास्ट में ही डालेंगे। अच्छे से घोट लिया, अब इसमें
ये देखो बन के तैयार हो गया। अब इसमें मक्खन डालेंगे। हमने अमूल का मक्खन नहीं लेके, बारिश की वजह से नहीं मिला, तो मैंने अपने घर से ही मक्खन ताज़ा ताज़ा फ्रेश मक्खन डाला है। तो देखिए पाव भाजी बन के तैयार है। अब इसके लिए मैं पाव सेक लूँगी। देखिए